सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको शेरवानी कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप दूसरे भाग को देखते नहीं हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आती, दिक्कत होती है, फिर आप पूछते हैं। तो दूसरा भाग या तीसरा भाग या चौथा भाग, जितने भी भाग हो, उनको आप सबको पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, एक एक बात को ध्यान से सुना करो, तभी आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी मेजरमेंट में, चाहे कोट हो, पैंट हो, सफारी हो, शर्ट हो, शेरवानी हो, लॉन्ग कोट हो, वास्कट हो, किसी भी मेजरमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई अल्ट्रेशन आती है, तो आप अपना फ़ोन नंबर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी समस्या भी साथ में लिखिए, फिर मैं आपको समय निकाल कर किसी भी समय आपको फ़ोन करूंगा, आपकी समस्या का हल करूंगा। अगर फ़ोन पे समस्या हल नहीं होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये अल्ट्रेशन इस तरह से निकलेगी, इस तरह से इस अल्ट्रेशन का हल होगा। आप एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, एक एक बात आसानी से समझ में आएगी आपको, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ इंची टेप, कहाँ कहाँ कितना कितना कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह ध्यान से देखना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये हो गया। अब देखिए, जब हम शेरवानी का नाप लेते हैं तो ना तो हम पेट का जो निशान होता है उसका नाप लेते हैं, ना हम हिप का निशान होता है उसका नाप लेते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबी होती है, हिप से भी घुटने से भी एक आध इंच नीचे ही जाती है, घुटने तक तो होती ही होती है, उससे भी एक दो इंच नीचे चली जाती है। तो ये हिप का नाप कैसे लें, ऊपर से हिप का नाप कैसे लें और पेट का नाप कैसे लें, अब कोई भी नहीं लेता। लेकिन लोग एक तय फार्मूले पे चलते हैं कि पेट का निशान यहाँ से 16 इंच 17 इंच ये करके लगा दिया, और हिप का निशान 24 इंच 25 इंच 26 इंच कहीं भी लगा देते हैं। ये तुक्का है, ये कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला क्या है, हमने पेट का निशान भी यहीं से निकालना है और हिप का निशान भी यहीं से निकालना है। कैसे निकालना है वो आप देख लीजिए। ये जो हमारा मुड्ढे का निशान है, इसमें शेरवानी में साइड में जेब लगती है, इसीलिए इसका सामना बैक बराबर होता है। अब ये कुर्ते की तरह साइड में जेब लगती है। अब ये हम जेब कैसे लगाएंगे, यहाँ से ये देखिए, अब हमने पेट का पहले निशान लगाना है, उसके बाद हमने हिप का निशान निकालना है। अब पेट का निशान कैसे लगाएंगे, यहाँ से 5.5 इंच, 5.5 इंच पे ये जेब का निशान लगाइए। यहाँ पे जेब का निशान आएगा, ये निशान मैं लंबा लगा दूंगा, यहीं पे हमने जेब लगानी है। और यहाँ से 6 इंच की हम जेब लगाएंगे, ये 6 इंच की जेब लगाएंगे तो इसका सेंटर, ये मैं पहले कुर्ते में भी बता चुका हूँ आपको कि पेट का सेंटर हमने कैसे निकालना है। ये जेब का सेंटर, ये आपका एक्यूरेट पेट का निशान है। अब पहले इस निशान को मैं लगा देता हूँ, उसके बाद हिप का भी बताऊँगा कैसे निकलेगा। ये पेट का निशान, ये प्रॉपर निशान है, हर तरह के नाप में ये बिल्कुल फिट आएगा। यहाँ से 19 इंच 17 इंच 18 इंच ये वो, ये तुक्का है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं भी लगा देते हैं आप। यहाँ से के पेट का निशान लगाइए, यहाँ से 17 इंच पे लगाइए, 17.5 पे लगाइए, 18 पे लगाइए, ये कोई तरीका नहीं है। आप सीधा सा इसका मेन पेट का निशान का फार्मूला यही है कि यहाँ से आप 5.5 जेब का पहले निशान लगाइए, 5.5 पे ये हमने जेब का निशान लगाया नीचे ऊपर का, और उसके बाद 6 इंच की हमने जेब लगाई, और ये 3 इंच सेंटर, जेब के सेंटर में हमेशा पेट का निशान होता है, ये 3 इंच का सेंटर बन गया, ये हमारा पेट का निशान होता है। अब जैसे हम क्या करते हैं कि ये हमने ये देख ले, ये कितना है हमारा, ये 8.5 है, 8.5 से एक सूज ज़्यादा है, ये हमारा 8.5 है, तो इससे हम 2 इंच ज़्यादा, ये 8.5 एक सूत है, ये 8.5 एक सूत, ये पहले आप 8.5 एक सूत पर निशान लगाइए, ये 8.5 एक सूत, और ये 2 इंच आपका हिप का निशान हो गया,
मैं आपको शर्ट में या सफारी में कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा लंबाई का निशान हो और ये जो मुड्ढे का निशान हो, इसको आप नाप लीजिए, ये जितना भी हो, ये जितना भी हो उसके सेंटर करके 2 इंच ऊपर आप निशान लगाएंगे। वही फार्मूला यहाँ पे है। शर्ट में सफारी में लंबाई के निशान से करते हैं, अब इसमें शेरवानी में हम इसको नापते हैं और इससे ये जितना है इससे 2 इंच नीचे निशान हम हिप का लगाएंगे। तो ये समझो, ये हो गया 8.5 एक सूत और 2 इंच ये नीचे, ये हमारा हिप का निशान आ गया है, ये हमारा हिप का निशान आ गया है। मेरे ख्याल से ये पेट का और हिप का निशान निकालना आप सीख गए। मैं फिर दोबारा बता देता हूं, यहां से आप मुड्ढे के निशान से 5.5 इंच पे एक निशान लगाइए, ये जेब का निशान होगा हमारा, और 6 इंच की जेब, इसका सेंटर, ये हमारा पेट का निशान आ गया, और ये जितना है, ये जितना है इससे 2 इंच नीचे आप हिप का निशान लगाएंगे, ये हमारा हिप का निशान है। अब जहां हमने 1 इंच लूजिंग दी है, ऐसे ये 36 इसका पेट है, तो ये 9 इंच 1 इंच की लूजिंग और ये 1 इंच दबाव, इसमें भी हम दबाव रखेंगे 1 इंच, ये 1 इंच दबाव। ऐसे ही हिप में, हिप 39 है, 1/4 कितना हुआ, 10.5। अब ये 10.5 और 1 इंच की लूजिंग, यहां हम 1/4 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, 1/4 इंच की लूजिंग और 1 इंच का ये आपका दबाव, ये दे दिया। अब ये देख लीजिए ये टोटल कितना है, देखिए ये 12 इंच है, ये टोटल दबाव समेत 12 इंच है। यहां से हमने 1/4 इंच ज्यादा रखना है, यानी ये 12 है तो ये हम 13.5 रखेंगे हिप से, नीचे दामन से ये हम 13.5 रखेंगे हिप से, 1/4 इंच ज्यादा रखेंगे, क्योंकि चलते वक्त हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए यहां पे 1/4 इंच यानी 1.5 इंच और 1.5 इंच सामने में 3 इंच हम हिप के नाप से ज्यादा रखते हैं, ताकि चलने फिरने में दिक्कत ना आए। वैसे तो यहाँ पे चाक भी होता है, लेकिन फिर भी हम दामन को ज्यादा रखेंगे तो चलने में आसानी रहेगी। अब इसको पहले हम इसको सीधा लगा देते हैं निशान, यहां से सीधा, आपको इस शेप पट्टी इस हिसाब से रखनी है ताकि आपके इस निशान को डिस्टर्ब ना करें। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरे निशान आ गए, और यहां से आप ये आपकी साइड की शेप होगी। अब ये पॉकेट का निशान है, ये पॉकेट का निशान है, ये हमारी पॉकेट लगे निकलेगी। अब हमने ये देखना है चाक कितना लंबा हम छोड़ेंगे। अब ये हमने यहां से करीब 5 इंच पे या 5.5 इंच पे यहां से आप चाक छोड़ सकते हैं, ये आपका चाक हो गया। कुर्ते में हम 3-3.5 छोड़ते हैं, लेकिन इसमें शेरवानी में हम 5 भी छोड़ सकते हैं, 5.5 भी छोड़ सकते हैं, 4.5 भी छोड़ सकते हैं। अब ये देखिए चाक हमारा कितना लंबा आ गया, ये देखिए 11 इंच का चाक है, छोटा पड़ता है तो आप इसको 4.5 पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको और भी लंबा चाहिए तो आप 4 पर भी लगा लीजिए, अगर आपको लंबा कम चाहिए तो आप 5 पर भी लगा लीजिए। ये आपको चाक का देखना है कि आपको कितना लंबा चाक, लंबाई के हिसाब से भी चाक होता है। अब ये 38 इंच है, इसमें 11 इंच का चाक बहुत है। अगर ये लंबाई 40 हो, 42 हो, 44 हो, तो ये अपने आप यहाँ से वही हिसाब रखेंगे आप 5-5.5 का, ये अपने आप चाक लंबा होता चला जाएगा। तो ये 11 इंच का इसका चाक बहुत है। इसके यहाँ ये हमारा पॉकेट का निशान आ गया, ये हमारी पॉकेट लगेगी। अब मैं इसको काट देता हूँ,
ये हमारा मुद्दा हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ, मैं ये सिंगल पल्ला काट देता हूँ क्योंकि ये कपड़ा नहीं है, ये गत्ता है, इसलिए ये गत्ते पे ये दूसरा हमें काम आ सकता है, तो ये मैं काट देता हूँ। ये दबाव है, ये दबाव भी आप काट दीजिए। ये बैक आपकी कंप्लीट कट गई है, अब मैं इसका सामना काटता हूं। ये किनारे हम अपनी तरफ करेंगे और ये जो हमारा बटन टेक का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, ये 2.5 इंच हम यहाँ रखेंगे। ये 2.5 इंच हमने बटन टेक ज़्यादा रखनी है। अब ये हम इसके, ये हमारी बैक है, बैक के निशान उठा लेते हैं। ये चेक कर लीजिए आप, निशान आपका कोई गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, ये भी बराबर, ये सही आने चाहिए आपके निशान। और ये लंबाई के भी निशान आप उठा लीजिए, ये देखिए लंबाई के निशान। इससे हमने सामने में 1 इंच लंबा लेना है, तो ये 1 इंच लंबा ये निशान हम लगाएंगे, लेकिन यहां से हमारा वही निशान रहेगा जो बैक का हमारा है। ये लंबाई का निशान है, ये थोड़ा सा लगाएंगे और ये हमारा ये निशान है, और इससे सेब पट्टी से हम इस निशान को ये मिला देंगे। अब ये निशान नहीं है हमारा, ये नहीं है, ये निशान हमारा लंबाई का हो गया। अब मैं इसको, ये आपको पूरा नजर आ रहा होगा, ये देखिए। अब इसकी छाती है 38 इंच, एक निशान आप 1/2 इंच का यहां भी लगाइए। इस निशान से हमने पूरा सामना काटना है, ये हमारा निशान हो गया। अब छाती है 38 का 1/4 कितना हुआ, 9.5। तख्ती हम इसकी कम करेंगे 1 इंच। तो दोस्तों आज बस इतना ही, शेरवानी की
बाकी कटिंग का भाग मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा।